वीडियो है, शायद वीडियो जो कहा है गोरखपुरिया भौजी बीच में टांग अड़ा रही है, तो मुझे तनी भी समझ में नहीं आ रहा है कि गोरखपुरिया भौजी आखिर चाहती क्या है। आप शॉर्ट वीडियो में भी बोलती हैं, पकाती हैं, लॉन्ग वीडियो में भी पकाती हैं, आखिर आपके कहने का मकसद क्या है मुझे। भाई लोग मैं करता हूँ कि सबको बड़ी अच्छा हो हमेशा अच्छा रहे। भाई लोग ट्यूटोरियल समझा दो जाने गोरखपुरिया भौजी जो कि गोरखपुर की मान सम्मान मर्यादा जो भी है, गोरखपुर की वो बहुत बड़ी यूट्यूबर अपने आप को है और अपने आप को यूट्यूबर समझती है, हम भी उनको अपने आपके उनकी आपको बहुत बड़े यूट्यूबर समझते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे देखने का नजरिया से बहुत बड़े यूट्यूबर है। लेकिन कोई जरूरी है जौन दादा कहीं वह हो ही, जौन बेटा हुआ कहीं ना हो ही। तो भाई लोग बस यही कहना चाहते हैं आरती छोटू, क्योंकि आरती छोटू का एक वीडियो है, शायद वीडियो जो कहा है गोरखपुरिया भौजी बीच में टांग अड़ा रही है, तो मुझे तनी भी समझ में नहीं आ रहा है कि गोरखपुरिया भौजी आखिर चाहती क्या है। आप शॉर्ट वीडियो में भी बोलती हैं, पकाती हैं, लॉन्ग वीडियो में भी पकाती हैं, आखिर आपके कहने का मकसद क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जितने भी ऑडियंस है सब चकमका गए हैं। देखिए जब झगड़ा मुहिम छिड़ता है तो पता चलता है फलाने शुरू किए, फलाने शुरू किए, नहीं यार गलत, फलाने नहीं शुरू किए हैं, झगड़ा तो गोरखपुरिया भौजी ही शुरू करती है। अब उनके भैया हैं, उनके का नाम है महादेव जी हैं, वो भी बीच में टिप्पणी करते हैं, ये भौजी भी टिप्पणी करती है कि देख लो चाहते क्या रे यार, अपने कंटेंट खुद बनाया, इतनी बड़ी स्टार है, कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान मर्यादा सबके नजर में बहुत तगड़ा है भौजी, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोनो जरूरी बात की आरती छोटू के बीच में टांग लड़ाऊ लेगा बाकी लव, लेकिन भाई लोग जरा जितना समझ रही उतने ना करी, क्यों हमें कहीं मैं नहीं रोस्ट छोड़ के टेक्निकल वीडियो बनाओगे तो हम टेक्निकल वीडियो ना दे पाए ना भाई, भाई तो मतलब क्या बस ये कहा जाता नहीं कि गोरखपुरिया भौजी जौन भी करता नहीं बड़ा गलत करता नहीं, और सुनाता नहीं ऐसे में गोरखपुरिया भौजी बड़ा स्ट्राइक देता नहीं, तो भाई जी जौन तुहरा समझ में आई दे दिए बाकी भाई लोग वीडियो आज के कैसे लगा प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बताएगा। मिलता है तगड़े से रोस्ट के साथ, तब तक के लिए दुनिया को सुधारना है ना तो पहले खुद बिगड़ना पड़ता है।